राहुल और काजल की शादी को 5 साल बीत गए थे और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन काजल अभी तक गर्भवती नहीं हुई थी, इस वजह से राहुल उससे नाराज सा रहा करता और आए दिन लड़ा करता। ऐसे ही एक दिन राहुल देर से घर आता है और काजल कहती है, आ गए आप, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। तो बता नहीं सकते थे घर पर फोन करके, रोज रोज बाहर से खाकर आते हो, मुझे भी बता दिया करो, मैं फालतू में यहाँ जो मेहनत करती हूँ कम से कम वो तो नहीं किया करूँगी ना। तो एक काम किया करो, जो खाना मेरे लिए बनाती हो ना, किसी गरीब भिखारी को खिला दो, समझ गई? अब मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूर कल से यही करूँगी, जहाँ मुँह मारते हो वही मार लिया करो। अब काजल पैर धमकाती हुई कमरे में चली जाती है और सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो राहुल जल्दी से रेडी होकर ऑफिस जा चुका था। अब काजल राहुल को याद करने लगती है और अपने मन में कहती है, शायद मैंने कल रात उन्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई नहीं, आज उनकी पसंद का खाना बनाकर ऑफिस ले जाती हूँ, लंच में खुश हो जाएंगे। अब काजल उठती है और घर के काम खत्म करके राहुल के ऑफिस उसका लंच लेकर जाती है, जहाँ पर वो बैठकर कुछ फाइल्स को रीड कर रहा था। काजल को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तुम यहाँ, वो भी अचानक? मुझे माफ कर दो, कल रात मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया तुम पर। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरी ही गलती थी, शायद मुझे बताना चाहिए था तुम्हें। चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब खाना खाते हैं, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर लाई हूँ। काजल अपने और राहुल के लिए खाना परोसती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। एक दिन राहुल ऑफिस से आते वक्त एक कैफे में जाता है, जहाँ पर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रश्मि को देखता है। रश्मि को देखकर राहुल उसके पास आता है। तुम यहाँ इतने सालों के बाद? यार हाल चाल तो पूछ लो, इन सब का जवाब तो मैं दे ही दूंगी। ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। कैसी हो तुम और यहाँ कैसे? मैं अच्छी हूँ, और यहाँ मैं 1 महीना पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। शादी हो गई तुम्हारी? शादी भी हुई और डिवोर्स भी हो गया, सब होकर खत्म ही हो गया। इस तरह दोनों कॉफी पीते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। राहुल उसे घर ड्रॉप करता है और रश्मि कहती है, अच्छा लगा मिलकर, वक्त मिले तो आते रहना। रश्मि की बात सुनकर राहुल मुस्कुरा देता है। उससे मिलने के बाद में उसे अच्छा लगने लगता है और उसकी जिंदगी का अधूरापन भी पूरा होने लगता है। वहीं रश्मि को राहुल के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही एक दिन दोनों क्लब से घर आ रहे थे, राहुल रश्मि को उसके घर छोड़ता है और रश्मि कहती है, यहाँ तक आ गए हो तो अंदर भी चलो। ओके ठीक है। दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। राहुल थक कर सोफे पर बैठ जाता है, रश्मि उसके लिए पानी लेकर आती है और उसके साथ बैठकर बड़े प्यार से उसे कहती है, यार राहुल मैं कितनी बड़ी पागल थी ना, जो उस टाइम तुम्हारा प्यार ठुकरा बैठी, मुझे समझना चाहिए था कि मुझे एक मौका देना चाहिए था तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। यही तो बात है जो मैं भूल नहीं पाई, आज भी तुम्हारा हर एहसास हर एक बात मुझे याद है राहुल, तुम्हारा वो प्यार। पर अब हम दोनों GFBF नहीं है, हम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो मुझे वो पहले वाली जिंदगी जी लेने दो ना राहुल, आज रात भूल जाते हैं मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हारी वाइफ, हमारा पास, सब भूल जाते हैं, बस हमारे प्यार को याद करते हैं राहुल। सच कहूं, मुझे भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास वापस आ जाओ। राहुल भी अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और रश्मि को कसकर गले लगा लेता है और उसे उठाकर रूम में लेकर जाता है। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। यूं ही वक्त गुजरता है और दोनों साथ में बहुत सारा समय बिताने लगते हैं। ऐसे ही एक सुबह राहुल नहाकर बाथरूम से निकलता है और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रहा था कि तभी काजल आकर उसे पीछे से गले लगा लेती है और बड़े प्यार से कहती है, क्या बात है, बहुत हॉट लग रहे हो पति देव। नाश्ता बन गया क्या? जी बन गया, आज काम पर मत जाओ ना। क्यों, क्या हो गया, क्यों ना जाऊं? आज मेरे पास रहो, मुझे प्यार करो। अरे सुबह सुबह काम वाम नहीं है क्या तुम्हें, चलो हटो। अरे अपने पति से ही प्यार कर रही हूँ ना, मैं कौन से पराए मर्द के पास जा रही हूँ। देखो मेरे पास बहुत काम है, ये फालतू काम के लिए ना समय नहीं है मेरे पास। अरे जान काम तो रोज ही होता है ना, आज कुछ अलग कर लेते हैं। तुम्हें समझ आता है या नहीं आता है, इतनी बार कह चुका हूँ कि मुझे ये सब नहीं करना है, समझी? अब दूर रहा करो मुझसे तुम। राहुल अब गुस्से में कमरे से बाहर जाता है और नाश्ता करके घर से निकल जाता है। वो ऑफिस जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे रश्मि का कॉल आता है। वो बिना कुछ सोचे रश्मि के घर की तरफ गाड़ी को मोड़ लेता है। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँचता है और घबराते हुए कहता है, क्या हुआ रश्मि, तुमने मुझे अचानक से बुला लिया, सब ठीक तो है ना? हाँ जी सब ठीक है, बात ये है कि। हाँ बोलो क्या बात है? बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच? आई लव यू सो मच।
आई लव यू टू राहुल। जहाँ एक तरफ राहुल अपने और रश्मि के आने वाले बच्चे की बात सुनकर बहुत खुश था, तो वहीं काजल राहुल के किए गए बर्ताव से दुखी थी और वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान आखिर क्या हो गया है राहुल को। आज से पहले उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया जैसा उन्होंने आज किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनको पिता बनने का सुख नहीं दे पाई, इस वजह से वो मुझसे अलग होना चाहते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हाँ ये सच नहीं है। अब काजल खुद को समझाकर घर के कामों में मन लगाने की कोशिश करती है। दिन पर दिन उसके और राहुल के रिश्ते में और खटास आती जाती है। ऐसे ही एक दिन जब काजल और राहुल सो रहे थे तभी राहुल के फोन पर रश्मि का कॉल आता है। राहुल बात करने के लिए चुपके से रूम से बाहर निकल जाता है। क्या हुआ रश्मि, इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आ रही है मुझे। अरे मेरी जान, कल सुबह आता हूँ तुम्हारे पास, अपना ध्यान रखना ठीक है। इतना बोलकर वो फोन रख देता है और फिर से आकर सो जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि काजल की नींद टूट चुकी थी और उसने सारी बातें सुन ली थी। अगली सुबह जब वो रेडी होकर घर से निकलता है तो काजल भी बिना किसी को बताए चुपके से उसका पीछा करती है। कुछ ही देर में राहुल रश्मि के घर जाता है और उसे गले लगा लेता है। अपने पति को ऐसे दूसरी औरत की बाहों में देखकर और रश्मि का बेबी बम देखकर अब काजल को यकीन हो जाता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था। शाम को जैसे ही राहुल घर आता है तो काजल उससे सवाल करती है, कहाँ थे आप आज? पहली बात ना, ये सस्ते नशे करना बंद कर दो। अरे यार ऑफिस में था और कहाँ आऊंगा, हमेशा बेतुके सवाल करती रहती हो। नींद आ रही है मुझे, मैं चला सोने, तुम भी सो जाओ। इतना कहकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। काजल के सर पर रश्मि को और राहुल को अलग करने का भूत सा सवार था। वो एक दिन अपने पर्स में रिवॉल्वर लेकर मार्केट जाती है जहाँ पर रश्मि अक्सर ही आया जाया करती थी। जैसे ही उसे रश्मि नजर आती है वो भरे बाजार में उस पर रिवॉल्वर तान देती है और गुस्से में कहती है, तुमने मेरे घर, मेरे दिल, मेरी जिंदगी में आग लगाई है, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम हो कौन और मुझे मारना क्यों चाहती हो, पागल हो क्या तुम? मैं वही हूँ जिसके पति का बच्चा तू अपने पेट में लिए घूम रही है। तुम राहुल की पत्नी हो? हाँ हूँ उसकी पत्नी, और तुम मेरी सौतन, गर्भवती सौतन, आज तुम मरोगी। नहीं नहीं प्लीज, देखो गन नीचे कर लो, हम बैठकर बात करते हैं ना। बात नहीं करनी मुझे तुमसे कोई, ये मेरे पति की बेवफाई के नाम, मुझे धोखा देने के लिए, ये वाली एक शादीशुदा आदमी से दिल लगाने और उसकी औलाद को अपने पेट में रखने के लिए, मुझसे मेरा सब कुछ, मेरा राहुल छीनने के लिए। काजल अब सरेआम कई सारी गोलियां उसे मार देती है और रश्मि और उसके पेट में पल रहा बच्चा दोनों ही अपनी जान दे बैठते हैं। आसपास के लोग पुलिस को कॉल करके वहां बुलाते हैं। पुलिस काजल को गिरफ्तार करके ले जाती है। राहुल को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वो काजल के पास आकर उससे सवाल करता है, क्यों क्यों किया तुमने ये सब, हा? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? सुकून, हा? सुकून, धोखा दिया था ना तुमने मुझे, मैंने भी बदला ले लिया, मार दिया तुम्हारी प्रेमिका को और उसके बच्चे को, अब जब मैं इस जेल से बाहर आऊंगी ना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। अपने साथ हुए धोखे की वजह से काजल अब अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठी थी, जिसके चलते उसने ये सब कुछ किया और उसे पुलिस भी अब मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। वहीं राहुल भी शहर छोड़कर रश्मि और अपने बच्चे को खोने के गम में दूर कहीं चला जाता है। अरे हमारे फगुनिया, क्या हुआ जी, हमसे नाराज हो का? जाइए, हमको आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप हमारी बात सुनते ही नहीं हो। अरे हमार कलेजा, जब तक तुम हमको कुछ बताओगी नहीं तब तक हम तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे। हमरा वो बाजार में जाना है जहाँ पर 2 तोले का हार मिलता है और साथ ही लखनऊ की मशहूर मलाई गिलोरी खाना है, बताओ ना हमको कब तक लेके जाओगे? अरे बस इतनी सी बात, चलो अभी ले चलते हैं। जाओ जल्दी से ना नईका साड़ी पहन के आ जाओ, हम लोग चलते हैं साथ में। जी हम भी अभी तैयार होकर आते हैं। पूजा अपने कमरे में तैयार होने जा ही रही थी कि अचानक राकेश की माँ सरला आ जाती है और पूजा को जाते देखकर कहती है, अरे बहुरिया तुम कहीं जावत रही का? वो माँ जी ये हमका मेला घुमाने ले जावत है, उसी के वास्ते हम तैयार होने जा रही थी। अरे क्या रहे मेला में,
कछु ना ही वहाँ, कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। अरे माई का हो गया, अगर हम लोग मेला चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी पूजा कहीं नहीं जाती है, अगर उसका मेला घूमने का मन कर रहा है तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई जी? आहा, बड़े आए लुगाई को मेला घुमाने वाले, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और मेले जाएंगे। ओ माई, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई काम नहीं करते हैं? अरे कम से कम तुमको पेट भर कर भोजन तो प्राप्त हो रहा है ना? बिटवा, खाली पेट भरने से कुछ नहीं होता है, सबको भविष्य के लिए जमा पूंजी की जरूरत होगी। कल को तुम्हारा मुन्ना होगा, उसको क्या खिलाओगे या पढ़ाओगे जब सब अपनी लुगाई पर ही खर्च कर दोगे तो? पर माई, परवर काल अल्लाह, सब तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आजकल के बच्चे कहीं भी अपने माँ बाप की सुनते ही नहीं है, लुगाई ने जो कह दिया बस उसको सिहाई की लकीर मान लेते हैं। सरला इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है। राकेश सरला को समझाने की कोशिश करता है लेकिन सरला सुनती ही नहीं, और सरला और राकेश में बहस हो जाती है, जिसे देखकर पूजा को बुरा लगता है और वो कहती है, रहने दो राकेश जी, आप माँ जी से बहस मत करो, घर में कलेश करके मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं घर में ही ठीक हूँ। तुम चुप करो पूजा, हम लोग मेला जाएंगे तो मतलब जाएंगे। नहीं, अब हमारा मन नहीं है, अगर आपको जाना है तो चले जाओ। पूजा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर का काम करने लगती है। राकेश बिहार का रहने वाला था, उसके पास दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसे हुआ करते थे। ऐसे ही वक्त हो जाता है और घर में खाने की तंगी हो जाती है, खाने को दो वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन राकेश घर आता है। अरे पूजा, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है हमको। जी वो, अरे बहुरिया बता दे कि घर में खाने को कुछ नहीं है, जाकर कुछ कमा ले, घर में फगुनिया करने से और गांव भर में घूमने से कुछ नहीं होगा। बस लो हो गई शुरू, अरे घर में चैन नहीं मिलता है तभी तो बाहर जाते हैं, और खाना खाने के लिए आए हैं, ताने नहीं खाना है हमको, ताने से पेट भर के जाएं क्या? आप कहाँ जाने लग गई, बैठो मैं आपके लिए कुछ खाने को देती हूँ। नहीं रहने दो, माँ ने इतना ताना दिया है ना कि पेट भर चुका है, मैं कुछ अनाज खरीद कर लेकर आता हूँ, ठीक है? राकेश इतना बोलकर अपने घर से निकल जाता है और काम ढूंढने लगता है, जैसे तैसे करके कुछ पैसे कमाता है और घर में अनाज लाकर देता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और राकेश अपने घर का इसी तरह से गुजर बसर करता है। ऐसे ही एक रात राकेश और पूजा आपस में बातें कर रहे होते हैं। पूजा, हम क्या सोच रहे थे कि हम पटना जाकर कोई नौकरी देख लेते हैं ना जी। पर वहाँ कौन सा काम मिलेगा आपको? अरे पटना इतनी बड़ी जगह है, वहाँ कोई ना कोई काम धंधा तो हमको मिल ही जाएगा, कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? अरे गांव में घूमते कब तक रहेंगे? कम से कम बाहर जाएंगे तो चार पैसे तो कमाएंगे ना, और उससे हमारा घर भी चलेगा। हाँ ये तो ठीक है, तो कब तक आप पटना जाने वाले हो? थोड़ा पैसे तो पहले कमा लूँ, अब इतनी दूर जाऊँगा तो खाली हाथ तो नहीं जाऊँगा ना। अच्छा ठीक है, चलो अब सो जाओ। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और राकेश गांव में कुछ काम करके थोड़े पैसे जमा करता है और पटना चला जाता है। पटना में वो कुछ दिन इधर उधर काम ढूंढता है और उसको एक दुकान पर काम मिल जाता है। दुकान का मालिक महेश दिल का बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक दिन महेश दुकान पर आता है। का हो महाराज, का कर रहे हो? दुकान की सफाई कर दी? जी मालिक साहब, कर दी है। अच्छा एक बात तो बताओ महाराज, तुम पान खाते हो कि नहीं? खाते हैं मालिक, आप लाकर दोगे तो जरूर खा लेंगे। अच्छा बिटवा, तुम अपने मालिक को ही चूना लगाने की सोच रहे हो? अच्छा चले जाओ, तुम अभी अपने पैसे का दो पान लेकर आना, हम पैसे तुमको बाद में दे देंगे। और सुनो, पान में कत्था थोड़ा ज्यादा लगवाना। जी मालिक। राकेश इतना बोलकर पनवाड़ी के पास जाता है और उससे दो पान लाकर महेश को देता है। उसके बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं और तभी महेश बोलता है, अरे ओ राकेश, तुम कभी अपने घर वाले के बारे में नहीं बताया, कौन कौन है तुम्हारे घर में? अरे वो का है ना मालिक, हमारे घर में हमारी एक पत्नी और बूढ़ी अम्मा है। अरे तुम अपनी पत्नी को गांव में ही छोड़कर आ गए, ऐसे पत्नियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना बहुत कुछ गलत हो जाता है। अरे का मतलब मालिक? अरे महाराज, हमारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी याद तो बहुत आती होगी ना, और तुम उसको गांव में छोड़कर आ गए। क्या करे मालिक,
लुगाई के पास रहने से ही सारा दिन तो निकल नहीं जाएगा ना, उसका पेट भरने के खातिर कमाना भी तो पड़ेगा ना। ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो महाराज, कब तक बीवी के पल्लू से बंधे रहोगे, आखिर कमाना भी तो बहुत जरूरी है ना। अच्छा मालिक, आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में तो बस हम और हमार तन्हाई है, बीवी भरी जवानी में छोड़कर हमार चली गई। सुनकर बहुत बुरा लग रहा है मालिक कि आपकी मालकिन आपको छोड़कर किसी और के साथ चली गई। ऐसी औरत तो किसी की सगी नहीं होती है। ए लड़का, गोली से मार देंगे जो हमारे रज्जो के बारे में कुछ बोला तो। हमारे रज्जो हमको छोड़कर भगवान के पास चली गई है, समझा? अच्छा मुझे माफ करना मालिक, हमको ये सब नहीं पता था। बक बुड़ बक। कोई बात नहीं, हम जिसको भी ये सब बताया हूँ सबने ऐसे ही बोला है, और हमार को तो ये सब सुनने की आदत सी हो गई है। अच्छा मालिक एक बात पूछे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जाकर अपना काम करो। थोड़ा सा तुमसे बतिया क्या लिए, तुम तो सर चढ़ने लगे। महेश इतना बोलकर उसको काम पर लगा देता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और महेश और राकेश दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपनी बातें एक दूसरे को बताया करते हैं। ऐसे ही एक दिन महेश परेशान होकर बैठा हुआ था, उसे परेशान देखकर राकेश उसके पास आता है। क्या हुआ महाराज, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, तुम जाकर अपना काम करो। हमारे दुकान में काम करते हो, काम ही करो, हमारे बाप बनने की कोई जरूरत नहीं है। राकेश को महेश की बात बुरी लगती है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी महेश उसे रोक कर कहता है, रुको भाई, कहाँ जा रहे हो, यहाँ बैठो। नहीं नहीं मालिक, हम तो काम करने जा रहे हैं, हम एक नौकर है, भला एक नौकर आपके साथ कैसे बैठ सकते है। अरे महाराज, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो सारी बातें दिल पर लेकर बैठ गए, बहुत गलत बात है। अरे हमें पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, साले अपने बाप से मजाक करते हो। अच्छा चलो बताओ, अब काहे के लिए परेशान हो रहे हो? क्या बताएं महाराज, हमार काम धंधा अच्छे से नहीं चालत वानी, पैसे वैसे है ना। अरे बस इतनी सी बात, अरे तुम एक काम करो, जाकर तुम कोनो बैंक लूट लो और हम दुकान संभाल लेते हैं। तुम तो बुड़बक हमको फंसाने वाला काम कर रहे हो, पुलिस तो हमको जेल में ले जाकर बंद ही कर देगी। नहीं नहीं, उसे पहले तुम्हारी सुताई करेगी, फिर जेल में बंद करेगी। तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो बे, तुम हमारा ही पत्ता साफ करने की सोच रहे हो। जब तुम अपनी दुकान के लिए इतने परेशान हो ही रहे हो तो और क्या करे महाराज, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। सही में तुम हमारे जिगर का टुकड़ा हो, हम यहाँ पटना में बहुत अकेले थे, तुम जब से आए हो हम बहुत खुश रहते हैं। अरे भाई हम एक बिहारी हैं और बिहारी लोग बहुत अच्छे होते हैं, एक बार जिसके गले पड़ जाए तो उसका जीना दुश्वार कर देते हैं, और किसी का साथ दे तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं, एक बिहारी सब पे भारी होता है जी। जिसके बाद महेश राकेश की बात सुनकर उसे गले से लगा लेता है और राकेश अपनी दोस्ती निभाते हुए महेश का हर तरह से साथ देता है। कुंती अपनी बहू पायल के साथ रहा करती। कुंती हमेशा अपनी बहू को कामों में उलझा कर रखती ताकि उसकी बहू अपने पड़ोसियों से उसकी चुगली ना कर सके। ऐसे ही एक दिन जब पायल घर का काम कर रही थी तभी उसके घर कमला का आना होता है। क्या बात है बहू, घर की साफ सफाई हो रही है, सब ठीक तो है ना बहू? आज कई दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, और तुम्हारी सास कुंती कहाँ गई, दिख नहीं रही है। आप बैठिए, मैं माँ जी को बुला देती हूँ, वो क्या है ना, माँ जी अंदर बैठकर गाना सुन रही हैं। फिर रहने दे बहू, आज तेरे साथ ही बात कर लेती हूँ, वैसे भी तुझसे मैंने तेरी मुंह दिखाई में बात की थी, और आज 2 साल बाद बात कर रही हूँ। 2 साल के बाद आप मुझसे बात कर रही हो, पता है चाची आज भी मैं खुद को नई नवेली दुल्हन महसूस करती हूँ। अच्छी बात है ना, फिर जितना खुद को नई नवेली समझो उतना अच्छा है। लेकिन कमला चाची, मुझे दूसरों की तरह खुलकर जीना है, मुझे इस तरह हर वक्त घर पर कैद होकर रहना पसंद नहीं है, मुझे भी सभी लोगों से बात करना पसंद है। लेकिन जब से शादी हुई है मैंने सासू माँ के अलावा किसी और से बात तक नहीं की। क्या बात कर रही है बहू, तुझे कुंती जी किसी से बात तक करने नहीं देती, ऐसा करना बहुत गलत बात है, मैंने कभी नहीं सोचा कुंती जी ऐसा करती होंगी अपनी बहू के साथ। कमला चाची जरा धीरे से बोलिए, अगर माँ जी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ और माँ जी को भी बुलवा देती हूँ। कमला चाची, आप माँ जी से ये सब बातें मत करना, वरना वो मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। तो चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं बोलूँगी तेरी सास को,
जा अब अपनी सास को बुला दे, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कमला की बात सुनकर पायल निश्चिंत होकर अपनी सास को बुलाती है। कमला का नाम सुनते ही कुंती अपनी बहू से कहती है, इस करंजली को भी अभी आना था क्या? कोई टाइम नहीं देखती, जब चाहे मुंह उठाकर सीधा मेरे घर चली आती है ये। माँ जी वो बोल रही थी आपसे कुछ जरूरी काम है इसलिए आई है, फिर बोल भी रही थी कि कहीं जाना भी है उन्हें इसलिए जल्दी बुलवा दो। पहले मेरी बात का जवाब दे, तूने उससे क्या बात की है? मैंने कहा था कि कोई भी अगर मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में आता है तो दरवाजा मत खोलना, लेकिन तूने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। लेकिन माँ जी आज तो आप घर पर ही हैं, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उनको बिठा दिया, वो आपका इंतजार कर रही हैं। नासपीटी, हमेशा कहा है मैंने तुझे, कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर, आखिर करना क्या है, अपना चिद्दी सा दिमाग मत चलाया कर। गलती हो गई माँ जी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, जा जाकर चाय बना, अब उस करमजली के लिए चाय ही लेकर आना, ज्यादा दिमाग चलाकर चाय के साथ नमकीन मत ले आना, समझी क्या कहा मैंने? पायल अपनी सास की बात सुनते ही जल्दी से जाकर उनके लिए चाय बनाने लगती है। जैसे ही कुंती कमला के पास पहुंचती है तभी कमला कहती है, कुंती बहन कितनी जरूरी बात करने आई हूँ आपको पता है, और आप हो कि भाव खाए जा रहे हो, पता है कविता की बेटी भाग गई, और बताओ बच्चे इतने बड़े हो गए खुद से लड़के ढूंढने लग गए अब। ओ बेचारी कविता बहन की बेटी भाग गई, सुनकर बहुत दुख हुआ, मेरी तरफ से उनको नमस्ते कहिएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, लड़की भाग गई है मरी नहीं, जो आपको दुख हुआ ऐसा बोल रही हो, वैसे भी लड़की बहुत बड़ी हो चुकी थी भाग गई। हाँ तो फिर यहाँ उसकी चुगली करने क्यों आई हो, अपनी बात करो अगर करनी है तो, वरना मुझे दूसरों की जिंदगी में जबरदस्ती मत घुसाओ। अरे कैसी बात कर रही हो कुंती बहन, चाय पिला दो, आपकी बहू ने अभी तक चाय नहीं पिलाई। अरे ओ बहू कहाँ मर गई, कब से चाय बना रही है, तेरी चाय नहीं बनी क्या अभी तक, तेरी चाय में अभी तक उबाल नहीं आया, जल्दी लेकर आ काम चोर कहीं की। सॉरी माँ जी वो चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई, आपको इंतजार करना पड़ा। नासपीटी तुझसे कोई काम नहीं होता तो मत किया कर, लेकिन मुझसे ऐसे माफी भी मत मांगा कर, जा अब जाकर काम कर ले। कुंती की ऐसी तीखी बातें सुनकर कमला को भी पायल के लिए बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद कमला अपने घर चली जाती है और सुनीता को कॉल करती है। सुनीता कुंती की सास थी और पायल की दादी सास। अम्मा आपकी बहू बहुत अत्याचार कर रही है अपनी बहू के ऊपर, जितनी जल्दी हो सके आ जाइए यहाँ अपनी बहू को सुधारने। आ रही हूँ, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है लगता है, कुंती को अब मजा आएगा जब कभी सास बनेगी और कभी बहू। कमला के कॉल के बाद सुनीता तुरंत अपनी बहू कुंती के घर दिल्ली पहुँच जाती है। जैसे सुनीता कुंती के घर पहुँचती है तभी पायल सुनीता को देख कर कहती है, हाँ जी आप कौन, किससे मिलना है आपको? देखिए माँ जी घर पर नहीं है, आप बाद में आना, अभी आप जाओ। कुंती को ही बुला दो, उससे ही मुझे काम है, और तुम हो कुंती की काम वाली। अरे क्या कुछ भी बकवास किए जा रही हो आप, बुजुर्ग हो इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ आपको, और वैसे भी इनके घर के बहू हूँ, पायल नाम है मेरा, आपका क्या नाम है बता दीजिए, मैं माँ जी आएंगी जब उन्हें बता दूंगी। अच्छा तो तू ही पायल है, मैं तेरी सास की सास हूँ, मतलब तेरी दादी सास हूँ, चल पैर पड़ ले मेरे और अपनी सास को बुला। माँ जी आप कब आई, कैसे आई और क्यों आई? मेरा मतलब है अगर पहले बता देती आप तो मैं खुद लेने आ जाती आपको। बस बस बहुत कर लिया नौटंकी, अब ये सारा सामान अंदर रखवा दे, बहुत थक गई हूँ, और चाय पिला दे मुझे, थोड़ी बहुत थकावट हो रही है। बहू जा दादी जी का सामान कमरे में रख दे, फिर कड़क चाय लेते आना। अरे क्यों बहू, तेरे घर में नौकर नहीं है क्या, जो तू अपनी बहू से काम करवा रही है, शर्म आती है या नहीं? अगर नहीं आती होगी तो मेरे साथ रहेगी, अपने आप आना शुरू हो जाएगी, जा कम से कम चाय तो बना दे।
लेकिन माँ जी मैं क्यों काम करूँ जब मेरी बहू है वो खुद कर लेगी काम। पहले मुझे ये बता, तू मेरी सास है जो मुझे समझाने बैठी है, जितना कहा जाता है वही कर, ज्यादा बातें करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। कुंती जल्दी से रसोई घर में जाकर अपनी सास के लिए अदरक वाली कड़क चाय बनाती है। कुंती को चाय बनाता देखकर पायल हैरान हो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह जब पायल नहा धोकर पूजा कर रही होती है तो उसे उसकी दादी सास देखकर अपनी बहू कुंती को आवाज लगाती है। कुंती उठी या नहीं अभी तक? मुझे चाय नहीं मिली है, कौन देगा नास पीटी? कब का उठकर बैठी हूँ मैं? वह क्या बात है, आज मेरी सास को सास मिली, कभी सास भी कभी बहू, मजा आ गया। पायल बहू तेरी सास कितने बजे तक उठ जाती है? 10 बजे तक उठ जाती है माँ जी, वैसे उनका अभी उठने का वक्त नहीं हुआ है, इसने सो रही है वो। दादी जी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं आज तो कुंती ही चाय बनाएगी। कुंती, हे भगवान सुनती ही नहीं है, कुंती उठती है या मैं आऊँ उठाने, काम चोर कहीं की। दादी जी मैं ही बना देती हूँ आपके लिए चाय, बेकार में माँ जी को क्यों परेशान करना, उन्हें उठकर रसोई आते आते आपकी चाय मिल जाएगी। हाँ चल ठीक है, तू चाय बना, मैं अभी आती हूँ। सुनीता सीधे अपनी बहू के कमरे में जाती है और वो जाकर अपनी बहू के ऊपर एक बाल्टी पानी डालते हुए कहती है, नास पीटी कितनी बार कहा था मैंने, हमेशा नाश्ता मुझे वक्त पर चाहिए, जल्दी उठो और मेरे लिए नाश्ता बना, वरना तेरा आज से बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। नहीं माँ जी मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, बस कुछ समय दीजिए। पहले तू नहाएगी, साथ श्रृंगार करेगी, फिर जाकर नाश्ता बनाएगी। ऐसा कर, कल सुबह 4 बजे उठ जाना, पूजा करना और फिर वक्त पे नाश्ता बना लेना। कुछ दिन पहले कुंती सास बनकर अपनी बहू पर राज कर रही थी और अब खुद बहू बन गई और अब अपनी सास की सेवा कर रही है। यही होता है रिश्ते में, कभी सास तो कभी बहू बनकर अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। अगर आज माँ जिंदा होती तो मुझे ऐसा काम नहीं करना पड़ता। माँ आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? प्रिया खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी भाभी सुमन आती है। अरे ओ महारानी, जल्दी जल्दी हाथ चला, बाकी घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? भाभी मैं काम कर तो रही हूँ, इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं। जुबान चलाती है अपनी भाभी से, मेरे बाप ने तेरे भाई को शादी में बहुत सारा दहेज दिया है और साथ ही नौकरी पर भी रखा है। भाभी मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दो, बहुत दिन हो गए हैं, मैं बाहर खेलने नहीं गई हूँ। अच्छा खेलने जाना है, ठीक है चले जाना, लेकिन पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद। अगर मैं काम कर दूंगी तो आप पक्का मुझे खेलने जाने दोगी? जब मैं काम पूरा होने दूंगी तभी तो जाओगी। क्या हुआ भाभी, मैं जा सकती हूँ ना बाहर? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकती हो, अब जल्दी से काम खत्म कर लो। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और प्रिया अपने कामों को जल्दी जल्दी करने लगती है। कुछ देर बाद वो अपना काम खत्म करके सुमन के कमरे में जाती है। भाभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। इतनी जल्दी खत्म हो गया? अच्छा चले जाना, उससे पहले तुम थोड़े चावल को साफ कर दो। पर भाभी। अरे बाहर जाना है तो काम तो करना होगा, वैसे भी कुछ देर में तुम्हारे भैया आ जाएंगे, उनके लिए तो हमें खाना बनाकर रखना होगा ना। ठीक है। प्रिया इतना बोलकर चावल साफ करने बैठ जाती है और काम खत्म करके सुमन को बिना बताए खेलने चली जाती है। सुमन प्रिया पर बहुत अत्याचार करती, वो खुद तो आराम करती और सारा काम प्रिया से करवाती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सुमन प्रिया से आए दिन बैलों की तरह काम करवाती और खाना भी नहीं देती। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने पति राकेश के साथ बाजार से रक्षाबंधन के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा पानी ला दो। अच्छा तुम रुक जाओ, मैं प्रिया को बुलाता हूँ। राकेश प्रिया को पानी लाने के लिए कहता है। प्रिया पानी लेकर आती है और पानी देते हुए कहती है, भैया आप मेरे लिए लेकर आए हो क्या? ये क्या लेकर आए, मतलब तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं भाभी कहीं जाना नहीं है, आप दोनों तो रक्षाबंधन के लिए कपड़े लेने गए थे ना, तो मेरे लिए कौन सा कपड़ा लेकर आए हो? अच्छा वो क्या हुआ प्रिया, हम लोग बाजार में तुम्हारे लिए कपड़े ले रहे थे,
लेकिन हमें पसंद ही नहीं आया तो हमने सोचा कि ले भी ले और तुमको पसंद भी ना आए तो पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे ना। हाँ छोटी, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। और कपड़ों का क्या है, वो तो लोग शो ऑफ करने के लिए पहनते हैं। अरे पुराने पहन के बांध दियो ना, वैसे भी तुझे कहीं जाना तो है नहीं। जाना है तो बता दे, नहीं जाना है ना तो फिर क्या दिक्कत है। और वैसे अगले साल ना पक्का दिला दूंगा तुझे। हाँ प्रिया, वैसे भी तुमको तो पता है ना कि तुम्हारे भैया की तनख्वाह इतनी नहीं है कि हम सभी के लिए कपड़े ले सके। भाभी अगर आपके लिए राखी है तो मेरे लिए भी कुछ नहीं है क्या? अगर आज माँ जिंदा होती तो आप मुझे नए कपड़े देते ना। अगर तुमको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे कपड़े पहन लेना, मैं अपने भाई के पास नहीं जाऊंगी, तुम ही अच्छे से राखी बना लेना। नहीं रहने दीजिए भाभी, मैं इस बार भी अपनी राखी ऐसे ही बना लूंगी, मुझे तो रक्षाबंधन से मतलब है। वैसे भी मेरा भाई तो मेरे पास है, आपका भाई दूर है, आप खुश रहो बस। प्रिया इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। प्रिया के जाते ही राकेश कहता है, बेचारी छोटी दुखी हो गई, फिर से उसने अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी। आहा, बड़ी दया रही है बहन पर, कपड़े की ही कुर्बानी दी है ना कि अपनी जान दी है, जाने दो उसको, चलो खाना खाकर सो जाओ। सुमन इतना बोलकर राकेश को खाना देती है और सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह प्रिया घर का सारा काम करके पुराने कपड़े पहनकर अपने भाई को राखी बांधती है। कुछ समय बाद सुमन नए कपड़े पहनकर अपने मायके चली जाती है। सुमन को जाता हुआ देखकर प्रिया की पड़ोसन विमला घर आती है। क्यों प्रिया बेटी, तेरी भाभी मायके गई है क्या राखी बनाने? हाँ भाभी, मायके गई है अपने भैया को राखी बांधने। चलो ये तो अच्छी बात है, तूने राकेश को राखी बांध दी ना? हाँ उसके बाद ही भैया भाभी गए हैं। क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? और तूने नए कपड़े क्यों नहीं पहने, ये पुराने कपड़े में ही राखी मना ली क्या? भैया के पास पैसे नहीं थे इसलिए वो इस बार मेरे लिए कपड़े नहीं लेकर आए, बोला है अगले साल ला कर देंगे वो। पर तेरी भाभी तो बिल्कुल नए कपड़े पहन कर गई है, उसके लिए पैसे है और तेरे लिए नहीं? भाभी को अपने मायके जाना था, मुझे घर में ही रहना था, इसीलिए पुराने कपड़े में भी ये साल निकाल दूंगी। भाभी जब से आई है भैया के पास पैसे ही नहीं बचते हैं। तू अपने भाई को क्यों नहीं बोलती है, तू ही हर बार कुर्बानी क्यों देती है? नहीं मैं उन दोनों के लिए खुश हूँ, घर में लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि मैं अपने भैया भाभी की बात मान जाऊँ, आखिर वो भी तो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं ना। बेटा ये मर्द जात होती ही ऐसी है, बीवी के आते ही उसके इशारे पर नाचने लगते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, एक दिन तेरे भाई को समझ आएगा कि तेरी खुशी उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा चल मैं चलती हूँ। विमला इतना बोलकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन प्रिया घर में आती है और रसोई में खाना लेने जाती है। जब वो रसोई में खाना देखती है तो सारे बर्तन खाली होते हैं, रसोई में बस एक ही रोटी मिलती है। वो सुमन के कमरे में जाती है। भाभी आप सो गई क्या? नहीं बोलो क्या हुआ प्रिया, तुमको कुछ चाहिए था क्या? नहीं वो मैं पूछ रही थी कि आपने खाना बनाया है क्या, रसोई में खाना ही नहीं है। अच्छा हमें लगा कि तुम आज घर नहीं आओगी तो तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया। एक काम करो रसोई में देख लो कुछ मिल जाएगा तो खा लेना, वरना सुबह जल्दी तुम्हारे लिए बना दूंगी। भूख तो अभी लगी है मुझे। देखो प्रिया मेरे पेट पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, वरना मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना देती, लेकिन अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। कोई बात नहीं भाभी आप आराम करो, मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगी। वैसे भी ये कोई पहला दिन तो नहीं कि मैं भूखी पेट सो जाऊंगी, ये तो हर दूसरे दिन होता है। प्रिया इतना बोलकर रसोई में जाकर पानी पीती है और सोने चली जाती है। दिन बीतते हैं और सुमन प्रिया के लिए एक रिश्ता लेकर आती है और प्रिया के पास जाती है। प्रिया मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या खुशखबरी है भाभी, आप अपने मायके जा रही हो क्या? अरे नहीं नहीं मैं तेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है, तुझसे बहुत प्यार करेगा वो। अच्छा ये खुशखबरी कम और दुख भी ज्यादा लग रही है। हट पगली ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, लो देखो लड़के की फोटो, बिल्कुल सलमान खान के जैसा है, बहुत पैसा है इसके पास। पर भाभी इसकी उम्र तो बहुत ज्यादा लग रही है, आप मेरी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से करवाना चाहती हो? अगर वो अधेड़ उम्र का है तो क्या हुआ, बहुत पैसा है इसके पास, बहुत अच्छा लड़का है ये तो हमसे दहेज भी नहीं ले रहा है। भाभी मैं भी इंसान हूँ कोई भेड़ बकरी नहीं कि आप मुझे किसी के भी साथ बांध दो, मैं इस बारे में भैया से बात करूँगी।
प्रिया, तुमको तो पता है कि तुम्हारे भैया के ऊपर तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी है, और आज के समय में तुमको पता है कि कितना दहेज मांगते हैं लोग। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम इससे शादी के लिए मान जाओ। सुमन प्रिया के आगे रोने लगती है, जिसे देखकर प्रिया उसकी बात मान जाती है और शादी के लिए हामी भर देती है। कुछ देर बाद राकेश घर आता है और सुमन उसको लड़के की फोटो दिखाते हुए कहती है, सुनिए राकेश जी, ये देखिए प्रिया के लिए शादी का रिश्ता आया है। ये लोग बहुत अमीर है और इनके दहेज की कोई मांग नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे इस बुड्ढे के साथ मेरी बहन की शादी करवा रही हो? अरे मेरी बहन फूल जैसी, और कहा ये अधेड़ उम्र का आदमी। मुझे से कोई मतलब नहीं कि ये लोग दहेज ले चाहे ना ले, लेकिन हाँ मैं ये शादी नहीं करवाऊंगा। और मेरी बहन ने बहुत कुर्बानी दे दी, लेकिन अब नहीं देगी। अब वो जो चाहेगी, जब चाहेगी, जैसे चाहेगी वैसा होगा। अगर इसकी शादी नहीं करवाओगी तो क्या अपनी बहन को सारी उम्र कुंवारी रखोगे? हाँ हाँ रख लूंगा मैं अपनी बहन को घर पे बिठा के पूरी जिंदगी, लेकिन ऐसे आदमी से इसकी शादी नहीं होने दूंगा मैं। और हाँ तुम भी ना मेरी बहन से इज्जत से और प्यार से बात किया करो। मेरी बहन कोई बकरी नहीं है जो किसी भी कसाई के हाथ में उसे सौंप दूँ। राकेश और सुमन दोनों की बात प्रिया सुन लेती है और राकेश के इस फैसले को उससे बहुत खुशी होती है कि इस बार उसके भाई ने भाभी का साथ नहीं दिया और उसकी कुर्बानी होने से बच गई। सरला बहुत ही बातें किया करती थी, वो बात बात पर लोगों का दिमाग खा जाती। ऐसे ही एक दिन सरला की पड़ोस के घर आती है। अरे विमला तू यहाँ कैसे आई है? पैरों से आई और कैसे आऊंगी। पैरों से क्यों आई है? तुझे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला क्या? हमारे मोहल्ले में तो बहुत सारे ऑटो रिक्शा चलाने लग गए हैं। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही है सरला? सुबह सुबह दो घूंट बाटली मार ली है क्या? तू कैसी बात कर रही है विमला? अगर मुझे बाल्टी मिलेगी तो मैं दो घूट क्यों, पूरी बाल्टी ही पी लूंगी ना। ठीक है तू जीत गई और मैं हार गई, बस। तू हार गई मैं जीत गई, हम कोई खेल खेल रहे थे क्या? बड़ी ही छुपा रुस्तम निकली तू तो, आजकल कुछ बताती भी नहीं है। अरे सरला तू मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे घर आना ही नहीं चाहिए था, तूने तो मेरा दिमाग ही खा लिया। माना तू झूठ बोलती है, लेकिन इतना भी झूठ मत बोल कि झूठ भी लोगों को सच लगे। तेरे दिमाग तो तेरे भेजे में है। हे भगवान उठा ले मुझे, नहीं इस दिमाग खराब करने वाली सरला को उठा ले, इस पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा दिमाग खाती है। भगवान मेरी ये दुआ कबूल कर लेना। क्या हुआ विमला, ऊपर किसको देख रही है? ऊपर छिपकली मिलेगी ना कि कोई भगवान। अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं है अब? क्या बोलूं सरला मैं, तूने मुझे बोलने लायक छोड़ा ही कहा है। तू खुद ही इतना बोलती है कि मेरा दिमाग खा जाती है, ना जाने तेरी बहू कैसे रहेगी। अच्छा ये बता तू यहाँ क्यों आई थी? मुझे तुझसे कुछ काम था इसीलिए आई थी, तुझे कुछ बताने आई थी। किस काम से आई थी और क्या बताना है तुझे? अब किसकी बेटी घर से भाग गई और तुझे कब से दूसरों की लड़कियों में दिलचस्पी होने लगी? मुझे माफ कर दे सरला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं तेरे घर आ गई। अब तेरे घर कभी नहीं आऊंगी, दिमाग खा गई पूरा। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। विमला के जाते ही सरला खुद से कहती है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, जब भी मेरे घर किसी काम से आते हैं हर बार बिना काम बताए चले जाते हैं, और जाते जाते ये भी कह जाते हैं कि दिमाग खा गई। एक तो खुद बोलते नहीं है और मुझे बदनाम कर देते हैं। खैर मुझे क्या, मैं जाकर अपना मनपसंद शो नागिन देख लेती हूँ। सरला इतना बोलकर अपना मनपसंद शो नागिन देखने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला का बेटा रवि उसके पास आता है। माँ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है, और इतनी भी क्या जरूरी बात है कि तुझे अभी करनी है? अब बोलेगा भी या चुप रहेगा? माँ आप बोलना बंद करोगी तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, आप सीधा सीधा बात क्यों नहीं सुनती हो मेरी? आए हाय देखो मेरे नलायक बेटे को अपनी ही माँ से जुबान लगा रहा है, अब बोलेगा या मैं यहाँ से जाऊँ? माँ मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब तू प्यार लड़की से करता है तो शादी भी लड़की से ही करेगा ना। मुझे ये बता उस लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं, या फिर प्यार से ही पेट भर लेगा? माँ उसको सब आता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, आप बस उसके घर जा करके बात करो और हमारी शादी करवाओ। कब जाऊँ उसके घर, और मुझे उसके घर का तो पता भी नहीं है मालूम, तू बता कैसे जाऊँ? हे भगवान मैंने भी शादी के लिए किसको बोल दिया, दिमाग खाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता, अब जो करना है मुझे ही खुद करना होगा। क्या हो गया,
तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या करूं, आप अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं देती हो। अच्छा मैं जा रहा हूँ। बाहर वाले तो बाहर वाले, यहाँ तो मेरा बेटा भी बिना कुछ समझे घर से ही चला गया। खैर जाने दो, मैं अपने बेटे की ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगी जो मेरे साथ बैठकर बहुत सारी बातें करे। सरला इतना बोलकर रसोई में काम करने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रवि सुमन नाम की लड़की से शादी करके घर आता है। माँ, इसका नाम सुमन है और मैंने इससे शादी कर ली है। बताओ कैसी लगी आपको आपकी बहू? अरे ओ नालायक, एक तो लड़की भगाकर शादी करके आ गया है और अपनी माँ से पूछता है कि बहू कैसी है। अगर इसके माँ बाप को पता चला कि ये यहाँ है, वो लोग तुझे जिंदा गोली मार देंगे। तू अभी इसको यहाँ से लेकर जा। माँ शांत हो जाओ, हम लोगों ने भागकर शादी नहीं की है बल्कि सुमन के घर वालों के रजामंदी से की है। आप खामखा परेशान हो रही हो। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बेटा मेरी इजाजत के बिना ही शादी करके आ गया। अपनी माँ से एक बार भी नहीं पूछा इसने। भगवान उठा ले, किसी और को नहीं मुझे ही उठा ले। माँ अपना ये ड्रामा बंद करोगी या मैं घर छोड़कर जाऊँ? अरे एक तो शादी करके आ गया, अब माँ को छोड़कर जाना चाहता है। तू यहीं रुक, मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। सरला इतना बोलकर अंदर जाती है और अपनी सुमन का स्वागत करती है। मोहल्ले की सभी औरतों को मुंह दिखाई के लिए वो बुलाती है। दिन गुजरते हैं और वक्त के साथ साथ सुमन अपने घर का सारा काम बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सरला आती है। अरे माँ जी, आप यहाँ आइए ना। क्या बना रही है बहू? कुछ अच्छा सा बना ले, खाने को बहुत मन कर रहा है। एक काम कर, ये सब्जी छोड़, तू पनीर की सब्जी बना दे। पर माँ जी, अभी तो ये सब्जी बन गई है, आप अभी ये खा लीजिए, मैं शाम को आपके लिए पनीर की सब्जी बना दूंगी। नहीं अभी बना, अगर मेरा अभी मन है तो मैं शाम तक का इंतजार क्यों करूं? सुमन सरला की बात मान जाती है और उसके लिए पनीर की सब्जी बनाने लगती है और कुछ देर बाद उसको खाना देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला आए दिन सुमन के कामों को रोक कर दूसरा काम करने को कहती, जिसकी वजह से सुमन को बहुत गुस्सा आता। ऐसे ही एक दिन सुमन घर की सफाई कर रही होती है, तभी सरला टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहती है, बहू ये सब क्या है? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ ये तो बता, मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि तूने इस टेबल पर अभी तक सफाई क्यों नहीं की? पोछा लगाने से पहले तू टेबल साफ कर देती। माँ जी पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद वो टेबल भी साफ कर दूंगी। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं, चल जल्दी साफ कर। बस माँ जी, आप तो बात बात पर मेरा दिमाग खा जाती हो। कभी ये करो कभी वो करो, मैं इस घर की नौकरानी हूँ या बहुरानी, अब जो भी कर रही थी ना वो नहीं करूँगी। सुमन इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन की माँ का फोन आता है और सुमन सरला से बात बात पर दिमाग खाने वाली बात कहती है। सुमन की सारी बात सरला सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, मैं क्या करूँ, मैं किसी को अच्छा बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं बात बात पर उनका दिमाग खाती हूँ, इसलिए शायद मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। आज के बाद मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी और ना ही किसी का दिमाग खराब करूँगी। सरला इतना भूल कर अपने कमरे में सो जाती है। सरला रात को बिना किसी से बात किए चुपचाप खाना खाती और अपने कमरे में जाकर सो जाती। ये बात सुमन को अजीब लगती है लेकिन सुमन कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला बिना किसी से बात किए अकेले रहने लगती। ऐसे ही एक दिन सुमन घर में पोछा लगा रही थी और सरला को चुप देख कर खुद से कहती है, कितनी अजीब बात है, जो औरत दिमाग खाते थकती नहीं थी वो आजकल बिल्कुल शांत बैठी हुई है। कोई शिकायत नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया माँ जी को? सुमन इतना बोल कर सरला के पास जाती है। माँ जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ समय से देख रही थी कि आप किसी से कोई बात नहीं कर रही हैं, ना ही मुझे किसी बात के लिए टोक रही हैं। आज भी मैंने टेबल भी साफ नहीं किया था, फिर भी आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। क्या कहूँ बहू, मेरे बोलने या करने से किसी का दिमाग खराब होता है तो मैं किसी को उस बात के लिए क्यों टोकूं? उस दिन तेरा काम जल्दी हो जाए इसलिए कह रही थी, लेकिन तूने तो मुझे ही गलत समझकर अपनी माँ को सब बता दिया। सुमन उस दिन के लिए सरला से माफी मांगती है और वापस से उसे टोकने के लिए कहती है, लेकिन उसके बाद दोनों सास बहू
एक दूसरे का दिमाग खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।